साथियों, आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12th मैथ सब्जेक्ट लेकर आया हूँ। आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 7.1 पार्ट 2 का पढ़ाएंगे, समाकलन अवकलन, अवकलज और समाकलज इसके बारे में हम बताएंगे, और इसके साथ साथ आपकी एक्सरसाइज 7.1 हम पढ़ाएंगे। तो साथियों, चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सूत्र। सबसे पहले सूत्र हमको पता होना चाहिए। जब तक हमने सूत्र पता नहीं होगा, तब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अवकलज और प्रति अवकलज, अवकलज डिफ्रेंसिएशन एंड इंटीग्रेशन। अवकलज प्रति अवकलज, डिफ्रेंसिएशन का इंटीग्रेशन बिल्कुल उल्टा होता है, विपरीत। यहाँ पर देखिए, इसीलिए हमने यहाँ पर ये फार्मूले पहले लिखे हैं। देखिए, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स टू द बेस एन प्लस वन बाई एक्स प्लस एन प्लस वन इक्वल टू एक्स टू द बेस एन। डिफ्रेंसिएशन एक्स, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स इक्वल टू वन, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, डिफ्रेंसिएशन ऑफ माइनस कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, डिफ्रेंसिएशन ऑफ टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और डी एक्स डी अपॉन डी एक्स माइनस कोसेक एक्स, मतलब माइनस कोसेक एक्स का अवकलज क्या होगा, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। उसके बाद आठवां, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। यदि साइन इनवर्स एक्स है तो इसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। नाइन्थ, नवा नंबर देखिए, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंसिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसी प्रकार से इसका उल्टा बिल्कुल शो अपोजिट हमारा क्या है, प्रति अवकलज, समाकलन जिसको कहते हैं। तो इंटीग्रेशन एक्स टू द बेस एन डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स की पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, मतलब जिसका हम डिफरेंशिएशन एक्स की पावर जितनी होगी उसमें हम एक जोड़ देंगे और उतने से ही हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, और फिर प्लस करके समाकलन नियतांक सी जोड़ देंगे, हमारा समाकलन प्राप्त हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पर जैसे देखिए, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स इक्वल टू वन है वैल्यू, तो यहाँ पर हम क्या मानते हैं, वन मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं यहाँ पर वन, तो वन इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, तो वन का क्या होगा एक्स होगा, देखो यहाँ पर क्या है एक्स, डिफ्रेंसिएशन एक्स का डिफ्रेंसिएट हम जब करेंगे तो वन आएगा, और वन का जब हम इंटीग्रेट करेंगे, वन का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, एक्स प्राप्त हो जाएगा, और सी समाकलन नियतांक हम लगा देंगे। फिर इसी प्रकार से कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी, साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन का सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। अब इसी प्रकार से
यहाँ पर देखिए इसका बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी प्रकार से माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी प्रकार से वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या होगा टैन इनवर्स एक्स प्लस सी होगा। फिर इसके बाद यदि हम यहाँ पर माइनस लगा दें माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी आते इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स सेक इनवर्स एक्स प्लस सी प्राप्त होगा। इसी प्रकार से माइनस अगर हम लगा लेते हैं एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ध्यान दीजिएगा ये आपके बुक में यहाँ पर लगा होगा माइनस नहीं होगा, यहाँ पर माइनस लगा है तो यहाँ पर माइनस नहीं होगा, यहाँ पर माइनस लगा है तो यहाँ पर माइनस नहीं होगा, और यदि हम यहाँ पर माइनस हटा दें तो यहाँ पर हमको माइनस लगाना पड़ जाएगा, यदि हम यहाँ पर माइनस हटा देंगे तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, ये आपकी बुकों में मिल जाएगा। या इधर माइनस हम लगा देते हैं तो इसको हम प्लस में लिखेंगे, या इधर से माइनस हम हटा देते हैं तो इधर माइनस में लिखेंगे और कॉस इनवर्स एक्स प्लस में हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस लगा हुआ है और यहाँ हमने प्लस में लिखा, यदि हम इसको माइनस को इधर से हटा दें तो माइनस यहाँ लग जाएगा, जो कि आपकी बुक में ये आपके फार्मूले मिल जाएंगे, इसी प्रकार से आपको उसमें मिल जाएगा। यहाँ माइनस लगा देंगे तो यहाँ माइनस हट जाएगा प्लस हो जाएगा, और अगर यहाँ से माइनस हम हटा रहे हैं तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। एक चीज़ और ध्यान दीजिए इसमें यहाँ पर नहीं आ रहा है, यहाँ पर हम और लिख दे रहे हैं यदि डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स ले रहे हैं तो इसका क्या होगा ई की पावर एक्स ही होगा, ये क्या होगा डिफ्रेंशिएशन। और यदि हम इसका अवकलन करना चाहें है ना तो इसका अवकलन क्या होगा इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस सी, ये भी वही रहेगा, मतलब ई की पावर एक्स का अवकलन और समाकलन एक ही है, नो चेंज है ना। ई की पावर डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स आ जाएगा वैल्यू, और इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं प्लस सी नियतांक लगा देते हैं। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 7.1 पर, एक्सरसाइज 7.1 पर हम चलेंगे, यहाँ पर यहाँ क्लास 12th डाल दे रहे हैं और हम एक्सरसाइज 7.1 यहाँ से चलते हैं। तो चैप्टर हम खोलते हैं देखते हैं, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न नंबर एक दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर एक है हमारा
साइन टू एक्स, साइन टू एक्स, इसको निरीक्षण के द्वारा हम इसका समाकलन करेंगे। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, इसको हम हल करेंगे। सॉल्व, हम जानते हैं कि सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि साइन एक्स की वैल्यू यहां पर क्या है, डिफरेंशिएशन में जाएंगे तो साइन एक्स इक्वल टू क्या है, कॉस एक्स, साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, और कॉस एक्स इक्वल टू क्या है, साइन एक्स है, माइनस की वैल्यू है, यदि हम यहाँ प्लस का ले लें तो माइनस का साइन मिल जाएगा, है ना। तो हम यहाँ क्या लेंगे, यहाँ लेंगे कॉस टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस टू एक्स, ध्यान दीजिएगा हमने लिया कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस टू एक्स इक्वल टू माइनस टू इंटू साइन टू एक्स, इसका अवकलन प्राप्त होगा हमको माइनस टू इंटू टू साइन टू एक्स। अब यहाँ देखिए ध्यान दीजिए कि कॉस एक्स का तो साइन माइनस साइन एक्स हो जाए, लेकिन टू कहाँ से आ जाए, ये टू कहाँ से आ गया, तो टू ये ऐसे आया कि यहाँ पर हम कॉस एक्स का फलन कॉस एक्स का ले रहे हैं, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होगा, और फिर क्या बचा, 2x बचा, ये वाला 2x, तो 2x का यदि हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन 2x का प्राप्त होगा 2। यदि हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x लेंगे तो 2 प्राप्त हो जाएगा, और x की डिफ्रेंशिएशन ऑफ x क्या होगा, 1 होगा, कैसे 1 होगा, यहाँ 2 आगे कॉमन हो जाएगा तो d अपान डी एक्स एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स हमने यहाँ पर देख, ध्यान दीजिए कि हमने फार्मूला लिखाया है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 2 इंटू 1 और 2 1 या 2 कितना, कितनी वैल्यू आएगी, 2 आ जाएगी, तो हमें 2x की वैल्यू क्या प्राप्त हुई, 2। तो इसका हमने जब अवकलन किया तो 2 प्राप्त हुए, है ना। तो जो है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस टू एक्स इक्वल टू क्या आएगा, माइनस टू साइन टू एक्स। अब ध्यान दीजिएगा, हमको वैल्यू ज्ञात करनी है साइन टू एक्स की, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन टू एक्स को इधर लाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, है ना। तो माइनस टू से दोनों पक्षों में क्या कर दें, भाग कर दें, या तो भाग करें या इसको हम पहले इधर लिख लें, माइनस टू साइन 2x इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस 2x। अब क्या करेंगे, माइनस दो को पक्षांतर कर देंगे, बटे में ले जाएंगे, तो माइनस 1 अपान 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस 2x हो जाएगा, क्या जाएगा, कॉस 2x प्राप्त होगा, और बराबर। अब यहाँ पर जब हम इसका प्रतिअवकलज करेंगे तो डिफरेंशिएशन हमने क्या कहा, यहाँ बताया था कि डिफरेंशिएशन है, इसका उल्टा क्या है, इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन जब हम हटाएंगे तो यहाँ इंटीग्रेशन लग जाएगा, या दोनों पक्षों का हम इंटीग्रेशन कर देंगे, दोनों पक्षों का हम समाकलन कर देंगे, जब दोनों पक्षों का हम समाकलन करेंगे तो यहाँ तो समाकलन हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन 2x इंटू dx इक्वल टू माइनस, यहाँ समाकलन करेंगे तो समाकलन और अवकलन दोनों आपस में कट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस 1/2 कॉस 2x। अब यहाँ पर जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका एक समाकलन नियतांक लगा देते हैं, तो यहाँ पर प्लस सी समाकलन नियतांक लगा देंगे, यही हमारा आंसर प्राप्त होगा। तो साइन 2x इंटू डी एक्स का समाकलन हमको क्या प्राप्त हुआ, माइनस 1 अपॉन 2 इंटू कॉस 2x प्लस सी। नेक्स्ट आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कॉस 3x, कॉस 3x
इसको हम हल करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जानते हैं ए साइन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 3x लेंगे, क्या ले लेंगे साइन 3x। अब साइन 3x इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पर ध्यान दो, हमने अभी फार्मूले लिखवाए हैं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x इक्वल टू क्या होता है cos x, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे cos 3x। अब 3x यहाँ पर है, तो 3x का जैसे यहाँ पर 2x था, तो हमारी जो इसका 2x का हमने अवकलन किया था तो हमारा जो है 1/2 आ गया था यहाँ पर, इसी प्रकार से 3x का जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2x का अवकलन किया था तो यहाँ पर हमें 1 चला गया, अब इसका जब हम करेंगे तो 1/2 में आ जाएगा, जब आएगा समाकलन हो रहा है इसका, इसका समय डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन जाएगा 3, यहाँ पर 2 आ गया था, यहाँ पर 3x है तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 cos 3x हम इसको इधर क्षमता करेंगे, 3 cos 3x इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 3x। अब cos 3x इक्वल टू दोनों पक्षों में 3 से हम भाग करेंगे तो यहाँ पर 1/3 हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 3x, दोनों पक्षों का क्या करेंगे समाकलन कर देंगे, तो जब समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 3x इंटू dx इक्वल टू यहाँ पर समाकलन और अवकलन आपस में कर जाएंगे तो 1/3 sin 3x और प्लस सी, ये हमको प्राप्त हो जाएगा। अब उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर दिया है e की पावर 2x, इसको हल करेंगे सॉल्व, हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर 2x इक्वल टू, तो डिफरेंशिएशन भी वही होगा e की पावर 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा e की पावर 2x और 2x की वैल्यू क्या आएगी इंटू 2 है, तो यहाँ पर 2 इंटू e की पावर 2x। अब यहाँ पर तो हम मिटा देते हैं और यहाँ पर वैल्यू 2 इंटू e की पावर 2x इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स e की पावर 2x इक्वल टू 1/2 डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर 2x, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे यहाँ पर e की पावर 2x इंटू dx इक्वल टू 1/2 और समाकलन अवकलन डिफरेंशिएशन आपस में कर जाएंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा e की पावर 2x + c, ये हमारा समाकलन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अगला है ax + b का होल स्क्वायर, इसको हम हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा हम जानते हैं कि एक पावर बढ़ा करके हम ले, है ना, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ax + b का होल क्यूब क्या कर देंगे यहाँ पर होल क्यूब कर देंगे, अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन क्या आएगा 3 इंटू ax + b का होल स्क्वायर इंटू और ax की वैल्यू क्या आएगी a, है ना, तो यहाँ पर
हमको जब हम गुणा करेंगे तो 3ax + b का होल स्क्वायर इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ ax + b का होल क्यूब प्राप्त है ना। अब यहाँ पर 3a हम बटे में ले जाएंगे, ax + b का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/3a डिफरेंशिएशन ऑफ ax + b का होल क्यूब, दोनों पक्षों का यदि हम समाकलन कर दें तो वही प्रक्रिया इंटीग्रेशन करेंगे, ax + b का होल स्क्वायर इंटू bx = समाकलन होता है d/dx कैंसिल हो जाएगा 1/3a ax + b का होल क्यूब प्राप्त हो जाएगा और हम यहाँ पर समाकलन लेता हूँ सीओ हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा कि ax + b का होल स्क्वायर का समाकलन हमें प्राप्त हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर देखिए यह है साइन 2x - 4 e की पावर 3x दिया, इसको हल करेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिए बच्चों, सबसे पहले हम साइन 2x का निकालेंगे है ना, तो हम जानते हैं कि cos x का क्या होता है, sin x, यहाँ पर देखिए cos x की वैल्यू sin x, cos यदि माइनस में है तो प्लस का sin x, प्लस में cos है तो माइनस का sin x हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं cos x की वैल्यू हम ले लेंगे, ध्यान दीजिएगा cos d/dx cos x d/dx लेंगे d/dx cos 2x, इसका हम अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, cos x का माइनस sin x आएगा तो माइनस और 2x का 2 मिलेगा तो 2 × sin 2x प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जगह नहीं है तो थोड़ा हम शॉर्ट करेंगे इसको, यहाँ पर sin 2x माइनस 2 को हम क्या करेंगे, बटन ले जाएंगे तो यहाँ sin 2x -1/2 आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ dx cos 2x, इसका समाकलन करेंगे तो sin 2x dx = -1/2 cos 2x + c। यहाँ पर एक नियतांक हमने क्या मान लिया, c1 मान लिया, समाकलन नियतांक क्या माना, c1, इसको हम मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर e^3x का लेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ e^3x इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या आएगी, e^3x 3 आ जाएगा और e^3x। अब e^3x इक्वल टू 1/3 डिफरेंशिएशन ऑफ e^3x, इनसे हमने उसको बटे में ले आए और यहाँ पर दोनों पक्षों का समाकलन किया तो e^3x dx = 1/3 e^3x + c2 इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हम समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ रहे हैं ना, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं साइन क्या लीजिएगा, यहाँ पर -4 दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया है -4 और यहाँ पर 3x है, अभी
एक मिनट, सॉरी अभी इक्वेशन टू नहीं होने वाली। हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर हमको ये प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं माइनस का फोर है, तो यहाँ पर माइनस हम फोर लिख लेंगे, या यहाँ पर हमने चलो तो मान लेते हैं इंटीग्रेशन इसका हमने कर दिया, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस का सी हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर माइनस का फोर इंटीग्रेशन ई की पावर थ्री एक्स डी एक्स ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस फोर बाई थ्री ई की पावर थ्री एक्स प्लस सी। नियतांक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नियतांक जो है स्वेच्छा से बताते हैं, नियतांक हमारा सी टू हो जाएगा। समीकरण दो, अब समीकरण एक व दो को जोड़ने पर, समीकरण एक व दो को हम जोड़ेंगे, तब यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन टू एक्स माइनस फोर ई की पावर थ्री एक्स इंटू डी एक्स प्राप्त है। साइन टू एक्स माइनस फोर ई की पावर थ्री एक्स डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर क्वेश्चन वन में माइनस एक वन बाई टू कॉस टू एक्स प्लस सी वन माइनस फोर बाई थ्री ई की पावर थ्री एक्स प्लस सी टू प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सी वन और प्लस सी टू, इसको हम नियतांक क्या मान लेंगे, सी वन प्लस सी टू को सी मान लेंगे, सी वन और सी टू को क्या मानेंगे, सी, है ना। यहाँ पर हम इसको ध्यान दीजिएगा, माइनस फोर बाई थ्री इंटू ई की पावर थ्री एक्स प्लस सी, दैट इज योर आंसर। यहाँ पर सी वन और सी टू जो आएगा, तो सी वन टू सी टू टेंस टू इक्वल टू सी। इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू एक्स माइनस फोर ई की पावर थ्री एक्स इंटू बी एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई टू कॉस टू एक्स माइनस फोर बाई थ्री इंटू ई की पावर थ्री एक्स प्लस सी। इस प्रकार हम निरीक्षण विधि द्वारा जो है निम्नलिखित दिए गए फलों का हम समाकलन करेंगे। धन्यवाद। हो गया।